हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट की, और उसमें पढ़ना है हमको कि फ्रक्टोज से ग्लूकोज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी देखिए, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है और ग्लूकोज में CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। हमको फ्रक्टोज से ग्लूकोज कन्वर्ट करना है तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, कीटोज टू एल्डोज, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज जस्ट इसका अपोजिट पढ़े थे कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैंने कहा था बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और जो ये ग्लूकोज टू फ्रक्टोज था, आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ, ग्लूकोज टू फ्रक्टोज जो था वो बेसिकली तीन स्टेप में रिएक्शन हुई थी। पहला था ओसाजोन का फॉर्मेशन, ओसाजोन, फिर नेक्स्ट स्टेप था ओसोन, और थर्ड स्टेप था रिडक्शन। तो इस स्टेप में, तीन स्टेप में हम लोगों ने ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो चार स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है रिडक्शन, देखें तो क्या होगा, रिडक्शन, और जो हमारे पास कीटोज होगा ना, यानी वो चेंज हो जाएगा एल्कोहल में, कितने चेंज हो जाएगा एल्कोहल में। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिएजेंट यूज होगा, उस रिएजेंट के लिए हम लोग रेने निकिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा स्टेप होता है ऑक्सीडेशन, उसके लिए हम लोग H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ Fe3, यानी हम लोग फेरिक ऑक्साइड का या Fe+3 की ऑक्सीडेशन में उसका यूज करते हैं। तीसरे स्टेप में होता है, हम लोग उसको हीट करते हैं और हमको जो कंपाउंड मिलता है वो होता है लैक्टोन्स, हमको होता है लैक्टोन्स, हीट करते हैं तो H2O रिमूव हो जाता है। और फोर्थ स्टेप में अगेन हमारे पास रिडक्शन होता है, और जो रिएजेंट यूज़ होता है वो सोडियम अमलगम यूज़ होता है। ये बेसिकली चार स्टेप होने वाला है। पहला स्टेप है रिडक्शन होता है, कीटोस को एल्कोहल में चेंज कर देते हैं। दूसरा स्टेप होता है ऑक्सीडेशन, और वो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, Fe+3 के की हम लोग वहाँ पे प्रेजेंस कराते हैं और उसके बाद उस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तीसरा स्टेप होता है हीट करते हैं, जो प्रोडक्ट यहाँ से मिलता है उसको हम लोग हीट करेंगे और हमको लैक्टोन्स मिलता है, या हमको उसको गामा लैक्टोन्स भी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दें। अब यहाँ पे चौथे स्टेप में रिडक्शन होता है, जो रिएजेंट यूज़ करेंगे वो सोडियम अमलगम, उसके बाद हमको फर्दर यहाँ पे हमको ग्लूकोज मिल जाता है। तो ये इतना नोट करें, उसके बाद हम लोग एक एक स्टेप में रिएक्शन पे बात करते हैं। चलें अब देखते हैं फ्रक्टोज का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। CHOH, C=O, CHOH का होल थ्राइस, और यहाँ पर CH2OH, ये हमारे पास फ्रक्टोज है, 1, 2, 3, 2, 5, 6। अब इसको हम लोग पहले स्टेप में क्या करते हैं भाई, पहले स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन रेने निकिल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं। अब इस रिडक्शन में होगा क्या कि हमारे पास देखिए यहाँ पे सब एल्कोहल है, अब यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन करवा देते हैं तो इसकी रेने निकिल की प्रेजेंस में जब कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन होता है वो चेंज हो जाता है एल्कोहलिक ग्रुप में, तो हमारे पास ये वाला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहलिक फंक ग्रुप में। तो CHOH और यहाँ पर CHOH, यहाँ पर CHOH का होल थ्राइस, और यहाँ पर CH2OH, देखो ये एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो गया। अब इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल, क्या नाम होता है, सॉर्बिटॉल, इसका नाम है फ्रक्टोज, या हम लोग इसको बोलते कीटोस, कीटोनिक ग्रुप है कीटोस। अब सॉर्बिटॉल, अब यहाँ पे इसका हम लोग H2O2 की प्रेजेंस में यहाँ पर Fe+3 फेरिक सल्फेट बोल लें, या Fe+3 सिर्फ लिख लें, या आप फेरिक सल्फेट भी लिख सकते हैं। इसकी प्रेजेंस में हम लोग अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाएं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए सब के सब हमारे पास क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसमें एक एल्कोहलिक ग्रुप कोई भी आप जिसको चाहें, तो हम लोग अपनी चॉइस के लिए हम लोग फर्स्ट नंबर को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, हमको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, क्या मिलेगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे H2O की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर ये COOH के कन्वर्ट हो जाएगा, और एस सच जैसे है हम लोग वैसे लिखते चले जाएं, लिख दिया। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड, क्या नाम है, ग्लूकोनिक एसिड।
अब यहाँ पे इसको हम लोग हीट करते हैं। मैंने कहा था जो तीसरा स्टेप है उसको हम लोग हीट करते हैं। हम लोगों ने इसको हीट किया। अब यहाँ से वाटर मालिक्यूल, मैं इसको थोड़ा सा ओपन करता हूँ, इस वाले को थोड़ा सा ओपन करता हूँ, आप लोग देख लें। देखिए इसको हम लोग ओपन करते हैं थोड़ा सा, देखिए CHOH 3-2-5 और यहाँ पर CH2OH, यही हमारे पास है ग्लूकोनिक एसिड। चलिए अब देखें, अब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से और ये एक नंबर कार्बन और यहाँ पर फोर नंबर कार्बन, इसके बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा -H2O। अब हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखें प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा, कार्बन यहाँ पे हम लोग CHOH C3-4-5OH और यहाँ पर CH2OH मिल गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके बीच में बॉन्ड बनता है। अब ये है इलेक्ट्रॉन्स, इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिखें, ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन। अब इसका, इस प्रोडक्ट का हम लोग क्या करें, इसको हम लोग सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में और इसका हम लोग रिडक्शन करवा दें, सोडियम अमलगम के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग क्या करवाएंगे, इसका रिडक्शन करवाएंगे। ये चेंज हो जाएगा किस में, ये चेंज हो जाएगा हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप में और हमको मिल जाएगा एक और ये हमारे पास हो गया ग्लूकोज। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने तीन स्टेप देखा, बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप था रिडक्शन किया था हम लोगों ने रेने निकिल की प्रेजेंस में, जो कीटोनिक ग्रुप था वो एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में H2O की प्रेजेंस में हम लोगों ने इसका ऑक्सीडेशन किया और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और उसका नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको हीट कर देंगे, वहाँ से H2O निकल जाएगा और लैक्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन उसका सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको रिडक्शन करवा देंगे, यानी रिड्यूस हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा हमारा किसमें, ग्लूकोज में। तो ये इस तरीके से हम लोग फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करते हैं। पिछले में हम लोगों ने बताया, बात किया था कि कैसे हम लोग ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करते हैं और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता रहा है। तो आई होप आप लोगों के जब पेपर देंगे तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आए, और आप लोग अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बिना किसी भी सोचे हुए आप कमेंट सेक्शन में बस बता दीजिएगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।